स्वागत है मेरे न्यू एपिसोड में। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, न्यू अपडेट आया वाला है, उसके गेम मोड सीज गेम मोड आया है तो उसके गाइड मैं आपको करने वाला हूँ। तो आपको कैसे खेलना है, क्या स्ट्रैटेजी बना के खेलना है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ कि आप उसकी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो गाइस सीज दिस गेम में अगर आप लास्ट लॉन्गर रहेंगे तो आपको डबल ट्रॉफी मिलेगी और एक्सपी भी मिलेगी, और उसमें 3 मैप आए हैं गाइस। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो जो बोल्ट है तो गाइस बीच में बोल्ट आते हैं तो आपको उसको कलेक्ट करना है। 5 सेकेंड के लिए आपको कलेक्ट करके रहना है, उसके बाद वो सीधा के सीधा ट्रांसफ़र सीज में होते हैं। वो जो ट्रांसफ़र होने के बाद जब 5, 6, 10 या 15 या 20 जब कलेक्ट हो जाते हैं तब वो न्यू जनरेट हो जाता है रोबोट। जब जनरेट होता है रोबोट तो आपको सामने वाले जो सीज है उसे जाके वो किल करता है या उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि तो मैंने अभी कलेक्ट कर चुका हूँ एक बोल्ट और सीधा वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे सीज है मेरे, तो मेरे तरफ है सीज, उसमें जाता है। बस वैसे आपको करना है, और जे एनर्जी ड्रिंक की जैसा आपको वो आता है बीच बीच में तो उसे कुछ भी नहीं गाइस आपको कलेक्ट करना है। और जब 5 सेकेंड के लिए आपको कलेक्ट करके रहना है, क्योंकि आप किल हो जाएंगे तो आप वो सीधा वही के जहाँ पे आप किल हुए उसी की जगह वो ठहरेगा। तो गाइस यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा एरो, अगर आप उस एरो पे जाएंगे तो सीधा के सीधा आप जंप मार के आधे मैप में आएंगे। तो गाइस हमारा मैप जो रोबोट है जनरेट हो चुका है। तो गाइस आप जब रोबोट जनरेट होता है उसके पीछे आपको जाना है और उस सीज को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि अगर आप सीधा जाएंगे तो आप वो कैनन आपको डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि उसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर आप रोबोट के साथ आप अगर जाएंगे तो आप रोबोट एक डिफेंस रहेगा आपके लिए, और जो सीज है रोबोट को मारेगा और आप भी सीज को मारेंगे, क्योंकि आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, आपको उस रोबोट की हेल्प लेके उस सीज को डिस्ट्रॉय करना है। तो गाइस मैं अभी नेक्स्ट है, ये दूसरा मैप है। तो इस मैप में गाइस आपको बहुत ही अच्छा मैप है, लेकिन यहाँ पे थोड़े पत्थर है। तो गाइस इसमें आपको डायनामिक यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉन्ग रेंज के ब्रावलर आपको यूज़ करना है इस गेम मोड में। जो रोबोट गेम मोड है, सीज गेम मोड है गाइस, इसमें आपको लॉन्ग रेंज के ब्रावलर यूज करना है। अगर आप बो यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बो ब्रॉक या कोल्ड यूज़ करेंगे तो गाइस ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही मुझे जब से मैं खेल रहा हूँ, बहुत सारे मैच खेला हूँ मैं, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस अब मेरा सेकंड जनरेट हो चुका है, तो गाइस उसका लेवल है 3। तो गाइस जितना आप बोल्ट कलेक्ट करेंगे और जनरेट हो जाएगा आपका रोबोट उतना ही लेवल का हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही एक्साइटेड लगा है। अभी तक वो उन्होंने फ्रेंडली मैच में दिया है, मैं अभी बॉट के साथ खेल रहा हूँ, तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा बताने वाला हूँ। गाइड बताने के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आपको गाइड बताऊंगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से खेल सकते हो और ट्रॉफी पुशिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें डबल ट्रॉफी मिलने वाला है गाइस। बहुत ही ये बड़ा मुझे लगता है इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा है, तो मुझे लगा कि मैं गेम प्ले आपको दिखाऊँ और आपको गाइड करूँ कि भाई किस तरह से आप खेल सकते हो बेहतर, मुझे अच्छी तरह से, इसलिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप ब्रॉक यूज करेंगे तो ब्रॉक भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो गाइस योर टीम असेंबल लेवल 5 सीज रोबोट, गाइस लेवल 5 का है जो रोबोट है अभी बना है। तो गाइस ये सामने जा रहा है, तो गाइस सामने वाले टीम में थोड़ा ज़्यादा हेल्थ वाले भी है और डैमेज वाले मुझे लगता है, क्योंकि ये जो तीनों ब्रावलर है बहुत ही अच्छे काम करते हैं। और अभी मैं अकेला हूँ और मेरे जो पार्टनर है वो किल हो चुके हैं, इसलिए गाइस वो तीनों मिलके मार रहे हैं रोबोट को, तो ये हेल्प नहीं हो रही है। जब आप रोबोट जनरेट होता है गाइस उसके पीछे आप तीनों के तीनों ब्रावलर उसके पीछे जाना है और उस सीज को मारना है, क्योंकि अगर आप अकेले जाएंगे तो मारने के लिए वो सीज बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है, इसलिए वो आपको किल कर सकता है इजीली। तो गाइस हमारे पास देखो ये सीज है, तो गाइस कितना डैमेज करता है। तो गाइस ये तो गाइस उसको आपको कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा
गेम मोड है और ट्रॉफी फिशिंग के लिए बहुत ही हेल्प मिलेंगी गाइज। तो गाइज नेक्स्ट सीज इन 0.5 सेकेंड, तो गाइज नेक्स्ट सीज होने वाला है, क्योंकि गाइज इसमें आपको टाइम मिलता है कुछ 1.5 मिनट 1 मिनट के बाद वो सीज जनरेट होता है। तो गाइज उसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको कलेक्ट करना है। जब आप जितना हो सके उतना ज़्यादा कलेक्ट, जिसका ज़्यादा कलेक्ट होगा वो जनरेट होगा, जिसका ज़्यादा कलेक्ट होगा वो जनरेट होगा। तो गाइज इसकी आपको हेल्प मिलेगी। तो गाइज ये अभी हमारे 5 है, उनके 1 है, तो अभी 40 सेकंड है गाइज जनरेट होने के लिए न्यू रोबोट। तो गाइज तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कलेक्ट करना है बोल, और बोल जब कलेक्ट करेंगे जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही लेवल का रोबोट जनरेट होगा। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको कलेक्ट करना है और दूसरों को मारना है गाइज। कुछ भी नहीं ईजी है, लेकिन आपको फ्रेंड के साथ खेलेंगे तो अच्छे फ्रेंड खेलने वाले रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप रैंडम ज़्यादा नहीं खेलेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो गाइज उनका भी 5 सेकंड है जनरेट होने के लिए, उनके पास सबसे ज़्यादा बोल्ट है। तो गाइज उनका लेवल 10 सीज रोबोट हो चुका है जनरेट। तो गाइज ये अभी मुश्किल में है, क्योंकि हमारे 20% बचा है। तो गाइज हम अभी हारने वाले हैं गेम, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि लेवल 10 का बहुत ज़्यादा है गाइज, उसको मारना बहुत ईजी नहीं है। तो गाइज ये रोबोट ने तो काम तमाम कर दिया है हमारा, और हम लूज हो चुके हैं इस मैच को। तो गाइज आपने देखा और समझा होगा कि किस तरह आपको खेलना है। आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोल्ट कलेक्ट करना है और जनरेट उसी लेवल का, जितना ज़्यादा आप कलेक्ट करेंगे उसी लेवल का आपको रोबोट जनरेट होगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।